तो हम लोग अभी कहाँ बैठे हैं? मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में। अच्छा, दोनों पकड़ो। इसके बाद हेलमेट के साथ ये बताना, ये मेरी नई फैमिली समझिए, मतलब ये सब मेरे नए नए दोस्त। तो क्या बोलते हैं? अच्छा, घास बोलते हैं ना। और कैसे आपकी तबीयत वगैरह? बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, जय राम जी सा, है ना। तो ये है गांव का बहुत ही सुंदर दृश्य। उनका दोस्तों ये अंकल है, गांव के रहने वाले हैं। अब ये मेरे को मान सम्मान दे रहे हैं कि चाय पानी पिए, मतलब। और दोस्तों शहरों के अंदर, मैंने अभी आपको एक बात की आगे कच्चे मकान की, कि अभी मेरे कई सारे करोड़पति दोस्त है, होंगे अपने घर में करोड़पति, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों पैसे वाले होते हैं, सिर्फ नाम के पैसे वाले होते हैं, रियल में अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं तो ये होते हैं दिल के साफ लोग। तो मुझे इनसे मिलके काफी अच्छा लगा। और ये मेरे को सर है जो पूछ रहे हैं कि चाय पानी पिए, तो मैं इनको मना भी नहीं कर सकता। वैसे चाहे इनके यहाँ पे आया हूँ, क्या नाम है इसका, कहा गया बाबूलाल जी के ससुराल, तो वहाँ पे भी ऑलरेडी चाय बनी हुई है। कोई नहीं, सर बोल रहे हैं तो आधा आधा कप अपने देसी चाय पी लेते हैं। तो हम पियेंगे यहाँ पे देसी चाय और फिर करेंगे चाय पे चर्चा। एक चाय वाला देश चला रहा है और हम यहाँ पे चाय पी के गाँव की सैर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ कंटिन्यू, बहुत मजा आने वाला है आज के व्लॉग में। ये हमारे सब नए बच्चा पार्टी दोस्त है, आपको कैसे लगे? बहुत अच्छा। मुझे है ना, तो मुझे कमेंट करके बताना, ये मेरी नई फैमिली समझिए, मतलब ये सब मेरे नए नए दोस्त, आपको कैसे लगे? ये देखो गुड़िया, इन सब बच्चों के चेहरे पे स्माइल जो आई है काबिले तारीफ दोस्तों। वाकई में मुझे मजा आ गया, जीवन मेरा सफल हो गया, मुझे ऐसा लग रहा है। मतलब बच्चे भगवान का रूप होते हैं दोस्तों, और बच्चे मिलते हैं तो उनके साथ मैं वीडियोस लेता हूं और आपको बताता भी हूं चैनल के माध्यम से। ये देखिए छोटा सा गौ माता है, गाय का बछड़ा है ना, ये गाय का बछड़ा है दोस्तों, है ना। तो बहुत ही, ये देखिए छोटा और गाय का बछड़ा यहाँ पे, है ना। तो बहुत ही अच्छा सीन है गाँव का, है ना। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे वगैरह, है ना, और कुछ माता जी वगैरह है जो यहाँ पे गाँव का देसी जो बोलते हैं क्या लेके जाए, इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, घास बोलते हैं ना। और कैसे आपकी तबीयत वगैरह? बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल, जय राम जी सा, है ना। तो ये है गांव का बहुत ही सुंदर दृश्य, देखिए घास वगैरह लेके जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अभी गाड़ी चला के आते हुए उनसे पूछते हैं कि क्या है उनका नाम। और गांव के अंदर स्कूटी, क्या इसको स्कूटी बोलते हैं ना, टीवीएस स्कूटी, इनसे जानते हैं। आपका नाम क्या है बेटा? विजय दीनानाथ चौहान, नाम तो सुना ही होगा, है ना। तो क्या उम्र क्या है आपकी? 14 साल। इतनी कम उम्र में आप एक स्कूटी चलाना सीखे? आपके पास लाइसेंस है? अच्छा, हेलमेट भी नहीं पहना आपने, है ना। तो वैसे दोस्तों अभी शहर होता तो मैं इससे, मतलब क्या बोलते हैं वो शहर में पुलिस वाले क्या लेते हैं, तो वो वैसे चालान काट लेता। कोई नहीं, मैं इनको थोड़ा सजा तो दूंगा। गाड़ी बंद कीजिए पहले तो आप, बिना एक तो लाइसेंस, बिना लाइसेंस और बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हो। गाड़ी से नीचे चाबी कहाँ लाइए? हाँ उतरिए, नीचे उतरिए, इधर आइए, आइए इधर, हंसना नहीं है इसमें, उतरिए। साथ में भले बड़े बुजुर्ग बैठे हो पीछे, उससे फर्क नहीं पड़ता, इधर आइए। अच्छा, बिना चाबी के भी चालू कर दी? ये गांव की गाड़ी कैसी है दोस्तों, बिना चाबी? चाबी मैंने ले ली। अच्छा, आगे मत बढ़ाना, कोई मैं रोक दो, मैं कहीं नहीं लेके जाना मैडम। अच्छा, काम है तो अर्जेंट काम है इनको, वरना मैं कोई बात नहीं, इसको एक मिनट रोको, इसको रोको, दोनों कान पकड़ो, दोनों कान बोलो सॉरी, दोनों पकड़ो सॉरी, है ना, बोलो आज के बाद हेलमेट के साथ। तो दोस्तों जस्ट लाइक दिस मस्ती, हम लोग मस्ती कर रहे हैं, बाकी गांव में हेलमेट की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। ये मस्त पार्टी है, खुश रहो मजे करो, बट ध्यान से चलाना ना बेटा। तो देखिए कितनी स्पीड से भाग गया है बच्चा, है ना, देखिए एकदम छू मंतर हो गया, है ना। तो मैंने कान पकड़ा इन बच्चों से, जान के उसने कान पकड़े, आपको कैसा लगा, है ना। तो ये बच्चा पार्टी हमारी गैंग, मतलब, है ना। तो सब बच्चों को मजा आ रहा है ना, क्या है? अच्छा मक्का। तो दोस्तों ये बच्चे बोल रहे हैं कि मक्का, यहाँ पे मकई की खेती है, मैं आपको थोड़ा मकई की खेती बता देता हूँ। अच्छा, तो ठंडी आने वाली इसलिए यहाँ पे मक्के की खेती बोए है, मक्के बोए है ना मैडम, ठंड में मक्के, है ना। सामने वो बहुत बड़ा मंदिर। तो अभी ये लोग मुझे कौन से मंदिर लेके जा रहे हैं बेटा? हनुमान जी का। वो बहुत ही सारे फूल है वहाँ पे। अच्छा, बहुत सारे फूल है। अच्छा, बहुत है, इतना अच्छा खुशबू आती है ना। तो ये बच्चा पार्टी मुझे गांव के हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करवाने ले जा रहे हैं, यूट्यूबर है। तो देखते हैं हनुमान जी का मंदिर कैसा है यहाँ का। अभी हमने आगे जो दर्शन किया वो था चार भुजा नाथ जी, है ना। तो उसके बाद में माता जी के। अच्छा, तो मतलब ये बोल रहे फिर माता जी के। तो मंदिर बहुत सारे है दोस्तों, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी गाँव के बच्चा और यहाँ का अपनापन, है ना। तो मुझे काफी अच्छा लगा। तो ये कौन से मंदिर में आ गए हम लोग? तो ये मंदिर का गेट है दोस्तों। ये बच्चे बोले थे यहाँ पे फूल है, तो काफी सारे फूल उगे हुए हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हो, है ना। महाराज सबको। अच्छा, तो मैं मतलब कितनी बार देते हैं, मतलब यहाँ पे जो महाराज है
सबको 10 रुपए देते है सर। मनोज को दे दिया था, है ना, मेरा दोस्त है ना, मेरा भाई मनोज, उसका 20 रुपए दे दिया ना, मैं और वैभव दौड़ के, ये बोल देगा, ये बोल, ये बोल देगा। तो दोस्तों ये गांव के बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ पे फूल भी काफी अच्छे अच्छे हैं, देखिए बहुत ही प्यारे प्यारे फूल है आपको नजर आ रहे होंगे कैमरे के अंदर, पिंक कलर के क्या है। तो गाइस यहाँ पे फूल है और एकदम देसी नेचुरल वातावरण है यहाँ का, है ना, और एकदम महाराज ने बनाया है सब ऐसा। और सामने आपको मंदिर नजर आ रहा होगा, ये देखो तरह तरह के। तो दोस्तों ये देखिए रोड बनाई हुई है, तो ये यहाँ पे एक और देखिए गुलाब जैसा फूल, पिंक कलर का बहुत ही सुंदर फूल है। दोस्तों आपको फूल कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना कि आपने इससे पहले कभी ऐसा फूल देखा था। ये देखिए ये व्हाइट कलर का फूल है, है ना। तो और फूल के साथ में ये देखिए हरे भरे पत्तियाँ वगैरह, और महाराज जी शायद फोन कर रहे हैं, फोन पे लगे कहाँ गए हुए, अच्छा तो विदेश गए हुए महाराज जी साहब, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों ये वाला देखो, ये वाला, अच्छा तो ये गुलाब का फूल है, ककड़ी का, अच्छा कौन सी जड़ी बूटी। तो दोस्तों ये बच्चे बता रहे हैं कि ये जड़ी बूटी है, है ना। तो काफी सारे बांध बांध के फल फूल लगे हुए यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पपीता लग रही है, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा प्यारा सा फूल है, है ना। ये देखिए ये कच्ची पपीता है, ये कच्चा पपीता है, ये गुलाब है ना सर, तो ये गुलाब है, और यहाँ पे एक कुआ भी है ना शायद, और ये हरी हर, ये पानी पी रहे हैं बच्चे, ये बच्चे पानी, देखिए बच्चा पार्टी किस तरह से यहाँ पे देसी तरीके से पानी पी रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ जरा, देखिए एकदम देसी तरीके से यहाँ पे बच्चा पार्टी पानी पी रहे हैं, है ना। ये 12 12 अब बढ़िया, गुलाबी कलर के ये अकेले है, ये देखो गुलाबी कलर के भी। तो ये बच्चा पार्टी देसी तरीके से पानी पीते हुए, ये देखो तुम्हारे पीछे देखो क्या है, गुलाब के फूल। तो ये देखिए दोस्तों गुलाब के इतने सारे फूल खुशबू, दोस्तों मैं वीडियो उतार रहा हूँ और कैमरा इतना दूर है, और खुशबू आर वेरी ब्यूटीफुल। आज तो फूल तो मैंने बहुत देखे शहर के अंदर, लेकिन एकदम ताजा लाइव उगा हुआ फूल ये देखिए, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके बताता हूँ, ये है गुलाब का फूल दोस्तों। तो आपको कैसा लगा गुलाब का फूल मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, है ना। तो चलिए हम मंदिर के दर्शन करते हैं, यहाँ के महाराज जी से मिलते हैं, क्या है मंदिर की विशेषता, है ना, कितना पुराना है मंदिर, और बहुत ही पुराना कुआ है, ये पुराना कुआ है दोस्तों, है ना, कैमरा अंदर गिर जाएगा, और ये बच्चे बोले कैमरा अंदर गिर जाएगा, तो हम कैमरे को थोड़ा दूर ही रखेंगे। तो कुआ कितना गहरा है आपको मैं थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करूंगा, अंदर काफी सारे पक्षी भी है दोस्तों, देखो कबूतर वगैरह, है ना, तो कुएं से दूर ही भले, है ना, बट कुआ है, सावधानी रखें, यहाँ से पानी निकाला जाता, अच्छा यहाँ से पानी निकाला जाता था पुराने जमाने में, है ना, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा तो फाइनली हमें आ चुके हैं हनुमान जी के मंदिर पे, चले सबसे पहले हम करेंगे बिल्कुल महाराज जी से भी मिलते हैं, और पहले हम कर लेते हैं दर्शन हनुमान दादा के। दोस्तों मंदिर आ गए, मैं आपको हनुमान जी के दर्शन करवाता हूँ, जय श्री राम। दोस्तों ये है हनुमान जी जो कि यहाँ पे है ना, गाँव के, गाँव के, है ना, तो ये गाँव के हनुमान जी का मंदिर है, तो सबसे पहले मैं करूँगा हनुमान जी के दर्शन, ठीक है ना। तो आइए मैं आपको हनुमान जी से, जय श्री राम, जय श्री राम प्रभु। मेरा चैनल है विलेज गेमर, तो दोस्तों कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखे, है ना। तो चलिए सबसे पहले मैं दर्शन कर लेता हूँ, है ना, इसको पकड़िए आप, सब बच्चा पार्टी बैठ जाओ, इधर आ जाओ, है ना, आप लीजिए, हम सबका लीजिए, है ना, ठीक है। तो ये सब बच्चा पार्टी है दोस्तों, ये हमारा नया ग्रुप है, देखिए हमारे साथ कितने सारे बच्चे हैं, है ना। तो हम लोग अभी कहाँ बैठे हैं, मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में। अच्छा आप सब लोग में से, आप सब में से कौन कौन पढ़ाई करता है, कौन नहीं करता है, सब करते हैं, सब सारे बड़े करते हैं। अच्छा आप सबके सपने क्या है, आप सब बड़े होके क्या बनना चाहते हो, एक एक करके बताएगा, आप क्या बनोगे, अच्छा लाइए दीजिए कैमरा मुझे, मैं पूछता हूँ इनसे, आप बड़े होके क्या बनोगे बेटा, मैं आर्मी में जाना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनकी सोच बहुत अच्छी है, आर्मी में जाके क्या करोगे, बिल्कुल मतलब देश की सेवा करोगे, ऐसा ना। तो एक और है, आप क्या बनोगे बेटा, अच्छा आप भी आर्मी में जाओगे, आर्मी में जाके आपका क्या मिशन है, आप क्या करोगे, एक और बच्चा उनसे जानते हैं, आप क्या करोगे बेटा, आपका बच्चा क्या सपना है बेटा, पुलिस। तो कुछ बच्चे हैं जो अपने सपने बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, गुड़िया है उनसे जानते हैं, बेटा आप बड़ी होकर क्या बनोगी, मैम, अच्छा मैम टीचर, अच्छा आप बच्चों को पढ़ोगी। तो गुड़िया का मुझे काफी अच्छा लगा,
कभी बड़े होके टीचर बनेगी, है ना। और गुड़िया के साथ एक बच्चा है, उनसे जानते हैं। बेटा आप बड़े होके क्या बनोगे? आर्मी। अच्छा, आप भी आर्मी ज्वाइन करोगे, अच्छी बात है। तो एक और बच्चा है, उनसे जानते हैं। बेटा आपका नाम क्या है? वैभव जाट। अच्छा वैभव जाट, आप बड़े होके क्या बनोगे? पुलिस। अच्छा पुलिस वाला बनोगे? ओह माय गॉड, अच्छा है। तो इधर आओ बेटा, आप पुलिस वाले बनोगे, गांव के अच्छे पुलिस वाले, है ना। हमारी शुभकामनाएं साथ है। और हम बैठे इस वक्त हनुमान दादा के मंदिर में, हनुमान दादा से यही प्रार्थना है इस बच्चों को पुलिस वाला बनाए। और आप क्या बनोगे बेटा? जो भी बताओ मुझे, ऐसा जो भी आपको अच्छा लगे। मैं आर्मी बनूंगा। क्या बनोगे? आर्मी। आर्मी बन के क्या करोगे? मारूंगा पाकिस्तानी। किसको? इनके साथ मारूंगा सबको। अच्छा अच्छा, मतलब देश की सेवा करोगे आप, है ना। तो ये हमारे छोटे बाबूलाल जी, ये भी आर्मी जवान बनेंगे। और मेरे बारे में बताऊँ तो दोस्तों, मैं क्या बनूंगा, वैसे मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो मैं पहले से बन चुका हूँ। मैं हूँ एक बिजनेसमैन, एक यूट्यूब ब्लॉगर, और मैं पूरी दुनिया घूमता रहता हूँ। उसके साथ में ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाने की पूरी कोशिश करता हूँ। और आपको नज़र आ रहे हैं सामने हनुमान दादा, हम सब हनुमान जी की शरण में बैठे हैं। सारी बच्चा पार्टी, हमारी पूरी गैंग, तो है ना, हमारे सारे नए दोस्त। आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए मैं आपको यहाँ की और कुछ सैर करवाता हूँ, इस मंदिर की और इस गांव की। जय श्री राम प्रभु, जय श्री राम, जय माता, जय श्री राम का यहाँ पे नारा लिखा हुआ है हनुमान दादा। जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये देखिए दोस्तों, मंदिर कुलचित है, बच्चे लोग घंटी बजा रहे हैं, देखिए बहुत ही प्यारा। तो दोस्तों हमने मंदिर में दर्शन कर लिए हैं। और ये महाराज जी है, इनके बारे में कैसे हो महाराज जी? जय श्री राम। तो बच्चा पार्टी बोलते हैं कि हम महाराज जी से मिलते हैं, हम सबको 10-10 रुपये देते हैं। अच्छा। तो बच्चा पार्टी है इनको, तो क्या है मतलब भगवान के रूप होते हैं बच्चे। तो क्या कहना चाहेंगे महाराज जी, कैसे आपकी तबीयत पानी वगैरह? बढ़िया है। इस मंदिर के बारे में क्या है मतलब विशेषता, के मंदिर क्या प्राचीन है, कैसे बनाया गया, इसके बारे में जरा बताएंगे? सारे बच्चे बैठ जाओ बेटा, है ना। बहुत प्राचीन मंदिर है बिल्कुल। इसके बारे में कोई उल्लेखित या प्रमाणिक तो नहीं है मेरे पास बिल्कुल, लेकिन ठाकुर जी चामुंडा माता मंदिर और ये हनुमान जी मंदिर बिल्कुल, तीनों जब गांव बसा उसी समय से था बिल्कुल। बीच में कालांतर में कई बार टूटा उगड़ा टूटा उगड़ा। 70 वर्षों पूर्व यहाँ पे एक उदासीन संत आए थे बाबा रामचरण दास जी, उन्होंने इस स्थान का जीर्णोद्धार किया। फिर एक दूसरे संत उनके गुरुवाई थे सत्यनारायण दास जी, जो कि श्री पंचायती उदासन बड़े अखाड़े से दीक्षित संत थे। और हमारी परंपरा में फिर कालांतर में उनकी देवलोकगमन के पश्चात स्थान खाली पड़ गया था। आज तकरीबन 14 वर्षों से इसका देख रेख अपने द्वारा किया जा रहा है बिल्कुल। खाली मंदिर ही होता था जी जी, ये सब बाकी का निर्माण कार्य है, वृक्षारोपण, गार्डन, पानी की व्यवस्था, ये सब अपने लोगों ने काफ़ी अच्छा कर रखा है। जहाँ तक मैंने देखा वृक्षारोपण, फूल वगैरह है जी जी। इसका नाम ये हनुमान वाटिका, हनुमान वाटिका जी 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो एक रामायण में भी उल्लेख है, वो सीता मैया के, वो कौन सी वाटिका थी जो? अशोक वाटिका। तो बिल्कुल मतलब कुछ ऐसा मुझे लग रहा है कि मैं अशोक वाटिका में पधार चुका हूँ मतलब, है ना जी जी। बिल्कुल और कई दुर्लभ चीजें भी हैं गार्डन में, जैसे कि केवड़ा। केवड़ा बिल्कुल, केवड़ा आपको किसी बगीचे में जल्दी नजदीक नहीं मिलेगा बिल्कुल। अपने बगीचे में केवड़ा है बिल्कुल, कई औषधि चीजें हैं, एलोवेरा है, अश्वगंध है, अपा मार्ग है बिल्कुल है जी जी, गोखरू है। तो औषधि और जीवों चारण करने के लिए कुछ औषधि। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, महाराज जी ने बहुत अच्छा बताया इस वाटिका के बारे में, है ना। तो और उनके साथ जो बच्चों का लगाव है, बच्चे जैसे हम लोग मंदिर में प्रवेश हुए तो हनुमान वाटिका में, तो बच्चों ने मुझे काफ़ी अच्छा बताया यहाँ पे कि भी यहाँ पे फूल लगे हुए तरह तरह के। और आप देख रहे हो बच्चे कितने यहाँ पे आनंदमय, मतलब ऐसे भगवान का स्वरूप, है ना, कैसे बैठे हैं और मुस्कुराते हुए। ये गाँव के बच्चे और एक शहर के बच्चे होते हैं जो मैं मिलता हूँ, आपको पता ही होगा। तो बहुत फ़र्क है शहर के बच्चों में, गांव के बच्चों में। बहुत ही मासूम होते हैं गांव के बच्चे, देख रहे हो आप यहाँ पे
एक मासूम सी मन है, एकदम मतलब ऐसा लगता है मैं भगवान लोगों के बीच में आ चुका हूँ, मतलब ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। और अभी मैं आपको और भी गांव की यहाँ की जो कुछ नज़ारे हैं, जैसे अभी कुछ माता जी से मिला मैं, तो और भी कुछ लोग हैं उनसे मिलेंगे, गाँव के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो बने रहे हमारे साथ कंटिन्यू, बहुत ही मजा आने वाला है आज के व्लॉग में, जिसमें हम गाँव के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बताने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, मंदिर का हमने दर्शन कर लिया, हनुमान जी का, हनुमान वाटिका, ये जो आपको नजर आ रही है ये सारी हनुमान वाटिका है, और उसमें हमारे ये नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे दोस्त है सारे, है ना। तो छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे दो मतलब भगवान स्वरूप दोस्त है ना, गुड़िया वगैरह, है ना। तो अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, एक जो गांव के स्थानीय निवासी थे यहाँ के, उन्होंने चाय बनाई अपने घर पे देसी तरीके से, देसी जो दूध होता है वहाँ का गांव का, उससे चाय बनाई है। वो चाय पीऊँगा आज मैं, और फिर आपको बताऊँगा कि वहाँ की चाय मुझे कैसी लगी। ये फाइनल हाँ हाँ तो ऐसा क्या बात है, क्या बात। तो फाइनली यहाँ पे एक मिनट में पहले चाय पी लेते हैं वहाँ पे। तो ये गांव की गलियां हैं, ये गांव का मकान है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे, है ना। ये गांव का एक और घर है ना, ये सब आपका, ये वीडियो आएगा ना यूट्यूब पे सबका, आप सबका वीडियो आएगा, है ना। अच्छा आप लोग एक मिनट यहाँ इधर आइए। अच्छा आप सबको मुझसे मिलके कैसा लगा? अच्छा वीडियो किसी को पसंद आए तो क्या करना चाहिए? तो इतने सारे बच्चा पार्टी बोल रही है दोस्तों, अभी तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अभी मैं यहाँ के गांव के जो घर है वहाँ पे जो चाय बनी है वो हम पी लेते हैं, ये वाला था ना। तो ये वाला था, तो ये अंकल है जो वहाँ पे ऊपर देखो वहाँ पे, कहाँ से? अच्छा उधर से आना है ना, तो आइए, है ना। तो ये अंकल ने चाय बना दी ऑलरेडी, तो एक ही अंकल के यहाँ पे चाय पी लेता हूँ, गांव की देसी चाय, फिर मैं आपको बताऊँगा कि मुझे चाय कैसी लगी, ठीक है। वो कहाँ गया कतिन? आ जा आ जा आ जा। तो ये गुड़िया बता रही है इधर से, ये है गेट यहाँ का, है ना। तो फाइनली दोस्तों ये है गाँव का मकान, जिसमें गुड़िया भी आ चुकी है। तो यहाँ पे मोचा लगा हुआ है, इसको मोचा बोलते ना, है ना, ये देसी मोचा लगा हुआ है दोस्तों, है ना। गुड़िया बैठ चुकी है और मैं भी अभी बैठने वाला हूँ, मैं भी इस पे बैठ चुका हूँ, और ये अंकल जो है देसी तरीके से पानी, है ना, पिला रहे हैं हमें। हम भी ब्राह्मण हैं। अच्छा आप भी ब्राह्मण, है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लगा मुझे आपको मिलकर, है ना। पालीवाल ब्राह्मण आप, है ना, बिल्कुल बिल्कुल जी जी, आपको भी, है ना, पीजिए आप भी पीजिए, बैठ जाइए आप भी, तो बैठ जाइए। तो ये छोटे बाबूलाल जी हमारे साथ में, है ना, कैसा लगा घूम के आपको, है ना। तो गुड़िया से जानते हैं, गुड़िया कैसा लगा आपको घूम के? बहुत अच्छा लगा, बस बच्चों को अच्छा लगना चाहिए दोस्तों, जो ना? वो बोलने से ना वो हेयर बॉल उसका अच्छा पानी है।